हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है बसंत एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आज का वीडियो हम कंटिन्यू करेंगे पहले पार्ट वन से। पहले पार्ट वन जहां पे हमने ख़त्म किया था, जिसमें कि मैंने आपको GoPro Hero 10 का मैंने आपको अनबॉक्सिंग दिखाया था, जिसमें कि बताया था कि मेरे को वो बंडल किट वो कितने का पड़ा था और क्या क्या प्राइस था उसका। आपने पहले पार्ट में अगर आपने देखा नहीं है तो देख लीजिएगा प्लीज़। अब मैं आपको उसका नेक्स्ट पार्ट में दिखाना चाहता हूँ कि इस ब्लॉगिंग किट को पूरा करने के लिए, GoPro को अगर आप एज ए ब्लॉगिंग आप यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कुछ और एसेसरीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, सिर्फ GoPro से नहीं होगा। तो उसके लिए मैंने कुछ प्रोडक्ट्स मंगाए हैं और वो मैं प्रोडक्ट्स क्या क्या मंगाया हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं अभी। चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज, ये है वो तीन प्रोडक्ट जो मैंने GoPro Hero 10 के लिए, मैंने पूरा व्लॉगिंग सेटअप करने के लिए ये तीन एसेसरीज़ मंगाई हैं, जिसमें से है ये MT16 उलानजी का एक सेल्फी स्टिक जो कि बहुत ही अच्छा क्वालिटी का है। और उसके बाद फिर मैंने मंगाया है ये अमेज़न बेसिक्स का जो इसमें टूल है GoPro इसमें माउंट करने के लिए, ट्राईपॉड में माउंट करने के लिए ऊपर बॉल हेड होता है, बॉल हेड के ऊपर जो एक GoPro का वो लगता है उसमें, तो वो इसमें ट्राईपॉड में लग के आप उस GoPro को माउंट कर सकते हैं। तो ये एक मैंने अमेज़न बेसिक का ये मंगाया है। और एक ये प्रोडक्ट है गाइस, ये है यांट्राले, आई होप मैं इसको प्रोनाउंस सही कर रहा हूँ, यांट्राले का प्रोडक्ट है ये। इसमें बेसिकली टेम्पर्ड ग्लास है और GoPro का कवर है, सिलिकॉन कवर। बेसिकली मैं सिलिकॉन कवर के लिए नहीं लिया था, बस टेम्पर्ड ग्लास के लिए लिया था इसको, क्योंकि एक सिंपल का खाली मुझे टेम्पर्ड ग्लास मिल नहीं रहा था तो मुझे उसके सिलिकॉन कवर के साथ लेना पड़ा। और आई रेकमेंड गाइस कि सिलिकॉन कवर मत यूज़ कीजिएगा, क्योंकि GoPro के साथ हीटिंग इश्यूज यू नो होते रहते हैं, तो अगर आप सिलिकॉन कवर लेंगे तो हीटिंग इश्यूज और उसको और बढ़ जाएगा इससे। तो आई रेकमेंड गाइस कि आप बिना सिलिकॉन कवर के ही यूज़ कीजिए। और हाँ, इसका टेम्पर्ड ग्लास ज़रूर यूज़ कीजिएगा ताकि आपको स्क्रैच वैच से आप ताकि अपने स्क्रीन को बचा सके और इवन लेंस को भी बचा सके। तो चलिए आइए एक एक इसको करके अनबॉक्सिंग करता हूँ मैं और दिखाता हूँ इसमें क्या है। तो गाइस, पहले ओपन करते हैं हम उलानजी का MT16। ये एक ट्राईपॉड है, सेल्फी ट्राईपॉड, और इसमें चाइनीज़ में कुछ लिखा है, आई थिंक ये चुंग चांग चुंग चूँ चा चूँ चा चूँ चूँ। तो गाइस, मुझे चाइनीज़ ऐसे पढ़ना नहीं आता, तो आई थिंक ऐसा ही होता है कुछ चाइनीज़ और क्या। तो ये है उलानजी का MT16, चलिए इसको खोलते हैं। बाय द वे, मैं इसको पहले से ही अनबॉक्सिंग कर चुका हूँ, तो वापस से मैं आपको ये अनबॉक्सिंग करके दिखा दे रहा हूँ। ये है उलानजी का सेल्फी स्टिक। हाँ गाइस, ग्रिप में काफ़ी अच्छा लग रहा है और इवन यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं ये अच्छे और आपका ग्रिप मतलब आई मीन स्लिपरी ना हो, और क्योंकि देर तक अगर आप पकड़ेंगे तो पसीना स्वेटिंग होता है, स्वेटिंग से फिर आपको आई मीन प्लास्टिक से क्या है तो क्या होता है कि छूटने के चांसेस होते हैं। तो आपका इसमें क्या कि स्वेटिंग अगर आपका हो भी रहा है तो ये रबर ग्रिप दिया गया है। उलानजी का MT16 यहाँ पे लोगो है और इसमें आप देख सकते हैं GoPro, मैंने जो मेरा GoPro का स्टिकर था जो उसके साथ मुझे मिला था वो मैंने इसी में चिपका दिया है, तो कहीं ना स्टिकर कहीं ना कहीं तो यूज़ करना ही था, तो मैंने सोचा इसी में यूज़ कर लेते हैं। और ये है गाइस उलानजी का, और यहाँ पे कोल्ड शू माउंट है, अगर आपको एक्सटर्नल माइक लगाना है या कोई एक्स्ट्रा एक्सेसरीज लगानी है जो कोल्ड शू माउंट के साथ अटैच हो जाते हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। और इसका बॉल हेड है, आप इसको कहीं पे भी रिवॉल्व करके अपने एंगल के हिसाब से आप अपना इसको सेट करके वापस इसको ट्राई करके आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और इसमें गाइस स्क्रू को कसने के लिए ये एक बॉल हेड यहाँ पे भी दिया हुआ है, इसको आप घुमा के आप अपना स्क्रू को टाइट कर सकते हैं। ठीक, तो आप इसमें मेरे ख्याल से आप अपना DSLR भी माउंट कर सकते हैं, काफ़ी मजबूत है ये, लुक एंड फील बहुत अच्छा है। और ये बेसिकली एक ट्राईपॉड भी है, तो आप कहीं पे भी इसको ऐसे यूज़ कर सकते हैं, ट्राईपॉड इस तरीके से गाइस। तो ये है, और इसका ये एक्सटेंशन भी हो जाता है एज ए सेल्फी स्टिक, जैसे मैंने आपको बोला था कि सेल्फी स्टिक काम करेगा, तो इसको आप खींच के ये गाइस देखिए कम से कम इतना लंबा हो जाता है ये। अगर आपको इसका हाँ
गाइज ये बहुत ही मतलब स्ट्रॉन्ग क्वालिटी है, मुझे इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी लगी। आप इसमें अपना DSLR भी माउंट कर सकते हैं, अपना GoPro भी माउंट कर सकते हैं, और आई थिंक मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई इश्यूज़ आने वाले हैं क्योंकि काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्वालिटी का है। तो चलिए गाइस अब नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो गाइस नेक्स्ट प्रोडक्ट है हमारा Amazon Basics का ये है ट्राइपॉड कैमरा माउंट GoPro के लिए। तो चलिए इसको अनबॉक्सिंग करते हैं। अनबॉक्सिंग क्या है, इसको तो पहले से अनबॉक्सिंग कर चुका हूँ मैं, तो मैं फिर भी आपको ये सिर्फ खोल के दिखा देता हूँ। तो गाइस इसके साथ बेसिकली ये दो एसेसरीज है, इसको खोलते हैं। बहुत छोटे छोटे से हैं दो प्रोडक्ट, तो इसको बॉक्स को करते हैं हम साइड। और ये देखिए गाइस, ये है जो GoPro इसमें माउंट होगा ट्राइपॉड। आप इसको ये देखिए, इसमें यहाँ पे आपको स्क्रू कसने के लिए ट्राइपॉड में, इसमें डायरेक्ट आप इसको भी लगा सकते हैं या चाहे आप इसको भी माउंट करके वो जो GoPro के साथ एक क्लिप आता है वो क्लिप आपको इसमें इंसर्ट करके आप इसको भी आप ट्राइपॉड में माउंट कर सकते हैं, क्योंकि इसके पीछे भी स्क्रू कसने के लिए दो दिए गए हैं। इसका प्राइस मैं आपको डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा कितने का पड़ा। तो बेसिकली यही है, ये GoPro के ऊपर GoPro को माउंट करने के लिए ट्राइपॉड में, तो ये चीज़ है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ। गाइज ये नेक्स्ट प्रोडक्ट है यंट्राले, जिसमें कि मैंने बेसिकली अपने टेम्पर्ड ग्लास मंगाया था, जो GoPro का जो फ्रंट स्क्रीन होता है, लेंस होता है और बैक स्क्रीन है उसके लिए। तो इसमें गाइस इसको अब अनबॉक्सिंग करते हैं और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ क्या क्या इसमें है। तो गाइस ऐसे वाले GoPro Hero 9 लिखा हुआ है, तो ये आपका बेसिकली GoPro Hero 10 में भी लग जाएगा। तो इसके साथ ये वाइप्स दिया गया है, ड्राई वाइप्स, और ये है टेम्पर्ड ग्लास बैक स्क्रीन के लिए। और इसी के साथ और एक सेट होगा इसमें लेंस, ये लेंस के लिए, और एक सेट होगा इसमें वो है आपका फ्रंट स्क्रीन के लिए। तो वाइप्स है, ड्राई वाइप्स भी है और वेट वाइप्स भी है, ताकि आप उसको अच्छे से कैमरा के लेंस को और स्क्रीन को क्लीन करके आप इसको यूज़ कर सकते हैं और आराम से ये यूज़ हो सकता है। मैंने अपने GoPro में भी अब लगा चुका हूँ मैं, तो ये दो सेट था, तो पहला सेट तो मैंने यूज़ कर लिया, दूसरा सेट ये है, कभी भी अगर वो ख़राब होगा तो मैं और एक सेट ये यूज़ कर सकता हूँ। तो बेसिकली ये है। उसके बाद इसके साथ आता है ये सिलिकॉन कवर, जो कि आई रिकमेंड कि यूज़ मत कीजिए GoPro के साथ, वैसे ही हीटिंग इशू रहता है। तो हाँ, अगर आप ट्रैवलिंग में अगर किसी आप ऐसे चीज़ में रखते हैं जिसमें कि आपका GoPro को स्क्रैचेस आने के चांसेस हैं, तो आप उस टाइम के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। कि अगर आप जब यूज़ नहीं कर रहे हैं, मतलब आई मीन GoPro को आप रिकॉर्डिंग कुछ नहीं कर रहे हैं और आप सिर्फ ट्रैवलिंग कर रहे हैं और इसको GoPro को किसी में रखना है, तो आप इसके अंदर लगा के, और ये लेंस कवर दिया गया है, और लेंस कवर को बस आप इसमें माउंट करके आपका लेंस प्रोटेक्ट रहेगा और आपका GoPro भी प्रोटेक्ट रहेगा। पावर मोड, ये पावर के लिए भी यहाँ पे एक वो दे रखा है, कुछ वेंट्स दे रखे हैं ताकि हीट पास हो सके, और यहाँ पे आई थिंक माइक के लिए है, और इसके साथ ये एक ग्रिप के लिए है कि अगर आप इसको यहाँ पे लगा के, इसके ग्रिप के लिए दे रखा है, और आप इसको हाथ में इस तरीके से लगा के आप इसको ले कर चल सकते हैं। तो गाइस अब यही है। इसके बाद मैं आपको इन सबको GoPro में लगा के अपना एक ब्लॉगिंग सेटअप आज मैं दिखाता हूँ कि ये लग के किस तरीके से ये दिखता है और इसकी क्या क्वालिटी है, आउटपुट कैसा निकल के आता है इन सब चीज़ों का। तो चलिए, तो गाइस अभी शुरू करते हैं ब्लॉगिंग का एक किट सेटअप करने के लिए GoPro को। तो ये है Ulanzi का MT16 ट्राइपॉड, इसमें हम अभी हम माउंट करेंगे अपना GoPro, और उसके बाद फिर हम एक सैम्पल वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे कि GoPro से आउटपुट कैसा आता है। तो ये है, और इसको ये जो है GoPro का कैमरा माउंट है, इसको हम इसमें लगाएंगे। देखिए गाइस ये लग गया। अब हम इसको कैमरा को माउंट करेंगे अपने GoPro Hero 10 को। तो गाइस परफेक्ट,
ये हो गया हमारा व्लॉगिंग सेटअप, इसको इसकी अभी ज़रूरत नहीं है, इसको हम साइड में रखते हैं। तो ये कंप्लीट हो गया मेरा व्लॉगिंग सेटअप इस तरीके से। और अगर आपको इसको एक्सटेंड करना है तो आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, हो गया ना गाइज मेरा व्लॉगिंग का सेटअप। और इसमें मैंने एक गोप्रो का मीडिया मॉड लिया हुआ है, तो उसमें देखते हैं कि एक्सटर्नल माइक में किस तरीके से आवाज़ आता है और इसका इंटरनल माइक की क्वालिटी कैसी है अभी कुछ ही देर में। ठीक है, ओके, मिलते हैं अभी कुछ ही देर में।